हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है तेरा भाई सिखाएगा ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप YouTube के कस्टम URL को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपके राइट कॉर्नर में एक आइकॉन दिखेगा आपके यूट्यूब का, उस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद अब व्यू एडवांस सेटिंग्स, उस पर अगर क्लिक करेंगे आपका नया विंडो ओपन होगा। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा कस्टम URL, यहाँ पे मेरा हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे कि आपका जो YouTube चैनल है उस पर 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, साथ ही साथ आपका जो YouTube चैनल है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए, और आपके जो YouTube चैनल है उस पर आपका प्रोफाइल पिक्चर यानी आपका जो YouTube लोगो है वो अपलोडेड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बैनर इमेज भी अपलोड होना चाहिए। उसके बाद आपको आसानी से एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप कस्टम URL पा पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।